एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 2.8 स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कैपेसिटर की दो प्लेट दी है और दो प्लेट का जो एरिया है वो भी आपको दिया है और दो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो भी हमें दिया है और वो कैपेसिटर को हम 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस एंड उस पर चार्ज कितना होगा वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैपेसिटर की दो प्लेट है, ये दो प्लेट और एरिया दिया है, प्लेट का एरिया कितना है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये एरिया हुआ प्लेट का और ये कैपेसिटर। अब ये जो प्लेट, दो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें दिया है, कितना दिया है तो D इज इक्वल टू 3 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ओके, और क्या उसने दिया है, तो यहाँ पर हमें दिया है कि 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, तो ये कैपेसिटर को अगर हम 100 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ढूंढना है और ये कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर होगा वो हमें ढूंढना है। तो पहले यहाँ पर हम कैपेसिटेंस ढूंढ लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट कब आता है, जब यहाँ पर दो प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम होता है तब यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अगर कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में कोई स्लैब, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब हम रख दें तो यहाँ पर आपको एप्सिलॉन ओनली लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। ओके, क्योंकि मीडियम आ गया इसलिए। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10⁻²। एरिया में स्टूडेंट दिया है, कितना एरिया है 6 × 10⁻³। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। डी कितना दिया है, तो डी है 3 × 10⁻³। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें मिलेगा 17.7 × 10⁻½ फेराड। तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें मिला। ओके, अब यहाँ पर हम बैटरी के साथ हम ये कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू CV, ये इक्वेशन हमें पता है। C कितना है, तो कैपेसिटेंस हमने ढूंढा है 17.7 × 10⁻½, 100 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर 17.7 × 10⁻¹० हो जाएगा कूलम्ब। तो ये सॉल्यूशन था स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 2.8 का। ये एग्जांपल का यूज हमें इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा 2.9 इसमें करना है।